16 दिसंबर 2021 में आप देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमारा यहीं भोज हुआ। अब सारे बंदर इधर के बजाय सही आगे निकल गए हैं। गेहूँ लेके हम आए हैं, सिद्धार्थ जी के यहाँ से बगल में गेहूँ ले लिया। सामने वाला गुप्ता इसने सब ओट मोट लगा दिया था उल्टा सीधा कर, उसको सब ठीक करवाए जा करके। तो अब आए यहाँ, एक भी बंदर नहीं है। तो चलो गेहूँ दीवार पर रखे दे रहे हैं। अरे राम हो भी कपार, और आगे देखेंगे लोग जगह बदल लेते हैं। ऐसा वहाँ भी नहीं है कि वहाँ होते तो वहीं से कूद कूद के आ जाते जैसे सुबह आए थे सब। इसके पहले आपने बहुत देखा होगा, दो या तीन वीडियो में बना है वो अलग अलग। अब ये सब यहाँ रखे दे रहे हैं, मेहनत करें थोड़ा। तो सिद्धार्थ जी के यहाँ से गेहूँ लाए, बगल में घर है। हमने कहा आप घर फ़ोन करो, लेबर आएगा जाएगा, टाइम लगेगा। इनके यहाँ रखा है भाई, इनके अंश का भी दान होता रहे। तो जाओ तुरंत बेचारे अपना काम छोड़ करके, काफ़ी मदद करते हैं सब। ये सिलसिला कमीने ने देखी उसकी शकल थी, वैसे झोला सिल दिया। बार बार हाथ डालो इसमें, ये देखो बार बार इसमें तागे आ रहे हैं, बार बार हाथ फंस रहा है ससुरा। उसकी शकल जैसे ही वैसे उसने झोला भी बना दिया। अभी बड़ी अच्छी बात सिद्धार्थ जी ने कही कि सही नदी के किनारे, जहाँ भी नदी है किनारे किनारे अगर कॉलोनी बिल्डिंग बनती है, बनाया है लोगों ने, वो सरकार ले ले, उनको मुआवजा पकड़ा दे कि महाराज अपने खिड़की दरवाजे और वायरिंग निकाल लीजिए, जहाँ इसमें बंदर रहेंगे, बंदरों को बसेरा कर दे, किनारे किनारे वहाँ बाड़े बनवा दो गाय के लिए। हम तो यही कहेंगे कि रायबली में कोई अगर विधायकी में खड़ा होता है, इस बात का वादा करे किसकी व्यवस्था करेगा ढंग से, तो वोट उसको हर हालत में वो जीत जाएगा। चूँकि धर्म के नाम से लोग उसको वोट नहीं देंगे तो पाप के भागीदार होंगे। फिर गायों के लिए कम से कम शहर में जो जानवर आवारा घूम रहे हैं उनको उसी बाड़े के अंदर डाल दिया जाए, पानी पिए, स्वच्छंद रहें उसी के अंदर। कुछ शेड वगैरह बना दिए जाए कि अगर पानी बरसे जाड़े में तो गौ माता और नंदी भैया उसी में अपने आराम से रहें। कोई गौशाला पोशाला जो चल रहा है सब बंद हो जाए। करोड़ों रुपए की जो ग्रांट जा रहा है गाय के नाम से, वो सब नौटंकी ख़त्म हो जाए। यही जनता से अपील है कि जनता जो है इसको आवाज़ को बढ़ावे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलावे। अगर आप इसमें नहीं ध्यान देते हैं तो ये समझिए नहीं, वही पर्ची छपता है कि जो ऐसा नहीं करेगा तो मर जाएगा, तो वो तो खैर कपोल कल्पित बातें हैं। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये काम अगर आप धर्म के काम में ध्यान नहीं देते हैं, नहीं बोलते हैं, तो परिणाम भयानक हो। नोट कर दीजिए, आप बच नहीं पाएंगे। आपको धर्म के लिए आवाज़ उठानी है, वही धर्म है। मंदिर जाना धर्म नहीं है, घंटी घंटा बजाना धर्म नहीं है, कम से कम आज के कलिकाल में। अगर ये घंटी घंटा काम होता ना तो करोना परोना आपके करीब ना आता। फिर डाल दिया, चले एक मुट्ठी डाल दें, काम भी होते करते जाओ और अच्छी बातें भी बोलते जाओ। यही कथा है, इससे बड़ी कोई कथा हो तो हमको सुना दो। भगवान मिले आज तक किसी को, मिले हो तो हमको बता दो। गए हैं दर्शन करने, भगवान ने दर्शन दिया आज तक आपको? बोलो किसी माई कलाल बता दे कि हमको भगवान ने दर्शन दिए हैं। है आज के, मैं आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ। द्वापर त्रेता में क्या होता था हमने न देखा है ना हम बताएंगे, सुनते हैं केवल। परशुराम जी को हम मानते हैं, लेकिन परशुराम जी के पहले मानने के मंगल पांडे और चाणक्य, इनका कोहिया का पता है? इनके लिए कुछ है? आप इनके बारे में कुछ आवाज़ उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे। नहीं, परशुराम जिनको मैंने देखा नहीं, सुनते हैं केवल, बस जिनको देखा है पहले उनको लाओ, समझ गए? उनको आगे लाओ। गाय की कथा न सुनो, गाय के ऊपर जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी तबाह कर दिया हो उसको सामने लाओ। गाय के रक्षा के नाम पर
दिल्ली में जिन लोगों के ऊपर गोलियां और लाठियां चली थी उनका उनकी चर्चा करो, हैं, तभी आपका कर्तव्य है, वरना चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर कोई कहता है कि हम फला पार्टी का, मैं फला पार्टी का हूँ, चुल्लू भर पानी में डूब मरो और जनता को जवाब दो आपने किया क्या है, लोगों को गायब किया, काम करने वालों को गायब किया गया है, हैं, काम करने वालों को गायब किया गया, जनता भी अंधी है, नहीं हाहाकार मच जाए। भगत सिंह को छपाया गया, सुभाष चंद्र जी का सौदेबाजी की गई, उस पार्टी के ऊपर सीधे सीधे बैंड लगा दो। कोई कह रहा है चोटी चोर है, कोई क्या है, जो साबूत है तुरंत उसको अंदर करो। सबसे पहले धर्म के बचाओ, पर्यावरण बचाओ और गौ माता और कुत्ते भैया और बंदर भैया के लिए कुछ व्यवस्था करो, इनकी संख्या न बढ़ने पावे। मंदिरों में हम पूजा करते हैं पत्थरों में जाके, काल भैरव कुत्ते की पूजा करते हैं भवनेश्वर में, देखो हैं उन कुत्तों के लिए आप क्या कर रहे हैं, कोई नसबंदी आपने कराई, कोई व्यवस्था किया? जो हम बोल रहे हैं तुमको अच्छा लग रहा है, हमारी बातों को सुनते हो कि नहीं? अच्छा लगा, ठीक, देखा छोटे से बालक ने कहा बहुत अच्छा, देखा चलो भर पानी में डूब मरो, फलाने धमाके निपोरे हैं, अंग्रेजी कानून के आड़ में सब खेल हो रहा है, नहीं पूरा सिस्टम ही बदल जाए, कोई भी नदी के किनारे अकान मकान कॉलोनी जो है सब सरकार कब्जे में दे दे, उनको मुआवजा पकड़ाइए, चलिए हटिए आप, प्रकट नहीं रहेगी, इतने लोग भुगत चुके हैं ऑक्सीजन के बिना, लाखों लोग मर गए, हैं, लाखों लोग मरे, हजारों मरे कि नहीं मरे, तब जनता में पूछो जनता क्या कहती है, हैं, जनता में पूछो, उसको वाइजल करो, सत्यता को जाहिर करो, यही सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन दिमाग में है कि सत्य न बोलो, और 22 कुएं के पंडित जी ने कहा है जल झोड़ के लाओ, 22 तरह के लकड़ी ले आओ, हैं, तो हर आदमी अंधा है तो काम कैसे चलेगा, कैसे होगा काम? देखो जंगल है, इसी में पैर रखने की जगह नहीं, किस तरह हम चल रहे हैं, 22 कुएं के पानी और जल, आडम्बर नाटक जो दिखाई नहीं पड़ रहा है उसी को मान रहे हैं, और जो दिख रहा है उसको वो नहीं मान रहे हैं, ना 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 ना, भागीरथी को मान रहे हैं, लेकिन भागीरथी के नाम पर किसी ने कोई एक तपस्या किया है आज के युग में वो नहीं मान रहे हैं, उसको नहीं दिखाई पड़ रहा है, और अरुण शुक्ला जी बेकूफ रहे, तो बाजी मार दे गया वो आदमी, बहुत बड़ा काम उसने किया, एक रिकॉर्ड बन गया, सिद्धार्थ जैसे लोग हैं, सिद्धार्थ सिंह चौहान ऐसे लोग बहुत आगे बढ़ेंगे, इनके अंदर देश के प्रति इनके अंदर एक वो है, न्यायिक दृष्टि है इनकी, बाबा ऐसा होना चाहिए, बाबा ऐसा होना चाहिए, वो सच्चाई के साथ चलना चाहते हैं, आडंबर से दूर हैं वो, तब उन्होंने कहा, हम क्यों रख दिया कहाँ से कहाँ तक, अभी शाम को सब आएंगे आराम से खाएंगे सब, तुम भी गेहूँ ला के यहाँ रख दिया करो कभी कभी, है ना, ये बंदरों को खाने को मिल जाएगा, और सबसे बड़ी हनुमान जी की पूजा है, सबसे बड़ी पूजा असली पूजा यही है, वो हनुमान जी की पूजा नहीं है कि तुम खुदे चढ़ाओ खुदे खा ले, सबसे बड़ी पूजा है, छोटे छोटे बच्चे हैं सब, देखो गेहूं दाने खड़े हैं नीचे, सब आते हैं बिन बिन खाते हैं अपना, नहीं कुछ मिलता है कि एक दाना बेचारे उठा उठा खाया करते हैं, काफ़ी लंबी दूरी हो गई, यहाँ तक हमने डाल दिया है सब, गेहूं सिद्धार्थ जी के घर गए ले आए जा करके, अब चलेंगे घर, इसमें तिवारी जी हैं जान पहचान के, अब आगे कहीं है जगह नहीं है, यदि यही कटा हो जंगल साफ हो
उस समय एक भाई साहब ने कहा ना कि पूरा जिला यहाँ है, पूरी प्रशासन यही है और यहाँ यह हाल है। चलो भैया रख लिया, चले थोड़ा आगे राउंड करके देखें, शायद उस इलाके में कहीं दिख जाए। ठीक, जय श्री राम।